मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है लिंग, जिन्हें इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष अथवा स्त्री से संबंधित होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा से पता चल रहा है कि जिसे हमें पुरुष या स्त्री होने के बारे में पता चले उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, दादा, नाना, इसका आदि। पिता, नाना, दादा जो है वो एक पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो पुरुष जाति से संबंधित हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, पुल्लिंग। आगे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के नाम से ही पता चल रहा है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे माता, दादी, नानी आदि। ये जो शब्द हैं ये उदाहरणें हैं, हमें लिंग के बारे में बता रही हैं कि ये स्त्रीलिंग हैं। आगे हम कुछ लिंग बदल कर करने जा रहे हैं, जैसे पहला है बाल। बाल क्या है, पुल्लिंग है। तो अब हमने इसे स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या बन जाएगा, बालिका। ऐसे ही सभी जो शब्द आगे दिए हुए हैं, जैसे हैं सेवक से सेविका, दास से दासी, दादा, दादी, सेठ, सेठानी, श्रीमान, श्रीमती, मोर, मोरनी, भाई, बहन, वर, वधु, गायक, गायिका, धोबी, धोबिन, अध्यापक, अध्यापिका। सो छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लिंग के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।